हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ सो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस पर टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सो आप लोग मेरे साथ बने रहना और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो फुल स्केल मॉक टेस्ट के लिए साथ ही साथ पी और कह सकती ई बुक के लिए देखो अभी क्लास चल रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का साथ ही साथ दूसरा क्लास चल रहा है असम एस सी आर टी डी एल एड पेट का सो इस इसपे हर चीज़ मतलब कवर होता है मैथ्स रीजनिंग और कह सकते हैं एस सी आर टी डी एल एड पेट के लिए बेंगोली भी सब कुछ कवर होता है सो आप लोग ज्वाइन कर लेना रुपेल सर अकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फ़ीस पर कोर्स थ्री हंड्रेड रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यू पी आई यानी फ़ोनपे जीपे या पे टी एम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे कर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और प्रीवियस पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं सो so, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट डज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ स्टैंड फॉर ऑप्शन सर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन वेब वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर या ऑप्शन डी वर्ल्ड वेब फेडरेशन इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज़ ए स्विस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये याद रखना फाउंडेड इन नाइनटीन सिक्सटी वन ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट याद रखना दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन ठीक है एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट इसको रिड्यूस करना है ह्यूमन का जो इम्पैक्ट अभी ज़्यादा हो रहा है एन्वामेंट uh, पे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ग्लैंड और ये कौन से देश पे है स्विट्जरलैंड ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर टू प्लेस वेयर थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट आर प्रोटेक्टेड फॉर स्पेशल केयर नोनेस जिस प्लेस पे थ्रेटेंड एनिमल को मतलब कह सकते अलग से लेके जाके उनको क्या करना है या कह सकते प्लांट को प्रोटेक्ट करना है विथ स्पेशल केयर इसको क्या बोलते हैं हम लोग इन इनसेतु कंजर्वेशन या एक्स सेतु कंजर्वेशन इफ सेंचुरी या नेशनल पार्क इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी एक्सित कंजर्वेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड एंडेंजर स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट वट इज एस्टैब्लिश्ड सो ऑप्शन सर ग्रीन डाटा बुक ब्लू डाटा बुक रेड डाटा बुक या मैन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी रेड डाटा बुक क्वेश्चन नंबर फोर रेड डाटा बुक इज पब्लिश बाई ऑप्शन सर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई यू सी एन या यूनेस्को या ऑप्शन डी नान ऑफ द एब इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आई यू सी एन ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑप्शन सर सेक्रेट ग्रोव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीड बैंक या नेशनल पार्क इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी सीड बैंक ठीक है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन स्पेसिफिक रीजन लैंडस्केप और इकोलॉजिकल कम्यूनिटी इसे क्या बोलेंगे हम लोग कोइवोल्यूशन कॉमर्शलिज्म स्पीशीज रिचनेस या ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी स्पीशीज रिचनेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन डैश हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया तो ऑप्शन सर देखो पोटैटो तो, टी मैंगो या टी इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी यानी मैंगो तो मैंगो का कह सकते हैं मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया पे है क्वेश्चन नंबर एट डैश ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज इन वन स्पीशीज ऑप्टेन फूड और अदर बेनिफिट फ्रॉम द अदर विदाउट आइदर हार्मिंग और बेनिफिटिंग द लेटर इसे क्या बोलेंगे हम लोग म्यूचुअलिज्म कोमेंशियलिज्म पैरासिटिज्म या नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन बी यानी कोमेंशियलिजम क्वेश्चन नंबर नाइन वर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड ऑप्शन सा रायपुर जोधपुर देहरादून या चेन्नई इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी देहरादून और ये कौन से स्टेट पे है ये उत्तराखंड और इसका एस्टाब्लिश कब हुआ था 1906 ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर टेन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हुइच ऑफ दिस हुई ऑफ द फॉलोइंग रीजन ये इज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी सो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होता है मैंग्रोव टेम्परेट फॉरेस्ट टाइगर या कोरल रिफ इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी कोरल रिफ्स आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको थैंक यू सो मच